आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, प्राइम टाइम में स्वागत करै छी। आइ समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत करय जा रहल छी। एकर संगी ई मुलुक संहिता में जा चुकल छै। संहिता में गेला के बाद जे अधिकार प्राप्त होते कहल गेल छलै मधेसी सबके, ओहि दिश ओहि रास्ता में ई संहिता जा रहल छै कि नहि, कतेक उपलब्धि प्राप्त भ रहल छै या ओहि बाट में चल रहल छै कि नहि, आइ एहि विषय में बातचीत कर जा रहा है। एकर लेल स्टूडियो में आइ उपस्थित छथि प्राध्यापक अमरकांत झा, ओ राजनीतिक विश्लेषक छथि। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी, कार्यक्रम स्वागत छै अपने। धन्यवाद अजय जी। संहिता एहि मुलुक में चल एलै, संहिता कार्यान्वयन के बात में जा रहल छै, केना के व्यवस्थित बनाओल जाय एहि विषय में काज भ रहल छै, अपने के केना लागि रहल छै? अतेक दिन भ गेलै नै, आब अखन जे हिसाब से आगा बढ़ रहल छै, प्रदेश हुए, संघ हुए या स्थानीय तौर हुए, तेकरा अपने कोन रूप में रहल छै? देखियो, ई संघीयता जना हेबाक चाहिए, एकर जे स्वरूप, एकर जे संरचना, एकर जे ढांचा अपन देश में हेबाक चाहिए, ते ढंग के भ नहीं सकल। सबसे पैघ समस्या तो ओहि लग कि अहाँ के असंतोष छै, जे पक्ष, जे समुदाय, जे संघीयता से जे लाभ हेबाक चाहिए, ओकर जे ढांचा, ओकर स्वरूप जे बनवाक चाहिए, ओ जे नहीं अंगीकार कैल गेलै, तो तै लऽ कऽ ओ आंदोलित अछि। ओ पक्ष सब जाहिमे मधेसी आबैए, जनजाति आबि रहल अछि, ई सब जे किए तऽ जनजाति सबके सघन बसोबास छै, मधेसियोके सघन बसोबास छै, संघीयताके जे इकाईके जे फॉर्मेशन होइ छै, प्रदेश कहिए, राज्य कहिए, जे नाम दियौ, ओ जे संघीयता अंतर्गत जे होइ छै, तऽ ओ तऽ केहन ढंग के पहचान भेल, ओकर सघनता केहन ठाम, ताहि में अपने के विश्लेषण की छै? जेना कि सात प्रदेश के संघीयता आब एकरा कार्यान्वयन करय के बात छै, तऽ वास्तव में जेहन किस्म के संघीयता के परिकल्पना नेपाली जनता के ने होय, ओहन किस्म के भेलै से अपने कह रहल छी? नहि, ई तो पहले तो अहाँके ढांचा जे छै से बिगाड़ल, मतलब ढांचा जे छै से ठीक नहि भेलै, से कह रहल छी। जेनाकि मधेसमे जे ढंग से अहाँके जे छै अहाँके संविधान सभा पहिलमे जे एकटा रिपोर्ट एलै संहिताके सम्बन्धमे, मधेसमे दूटा प्रदेशके एलै, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग मधेश में दूटा प्रदेश के, ओकर बाद जे एक्सपर्ट एकटा कमीशन जे गठन भेले, ओहो ओही ढंग के रिपोर्ट्स, लगभग ओही ढंग के रिपोर्ट्स छै, तो ओहि तरहक ओकरा ने लेल गेलै। ओहिसँ की भय अयतै, यदि मधेश के संरचना ठीक से कयल जायतै संघीयता में, तो ओहिसँ जनजातियों के से फायदा होइत, ते लऽ कऽ मधेसमे नहि से नहि भेलै। ताहिसँ की भऽ गेलै, मधेसी तऽ उत्पीड़ित रहिए गेल, जे अधिकार सम्पन्न जेना हेबाक चाही, जे सत्तामे हिस्सेदारी हेबाक चाही, पावर स्ट्रक्चरमे जे शेयर हटबाक चाही, ओ तऽ मधेसीके नहिए भेटलै, साथ साथ जनजातियो सबके। संहिता जे किसिमके जन संरचना हेबाक चाही, प्रदेश जेहन किसी से बन के चाहे ओहन किसी से नहीं बनल, कतौ ने कतौ ई त्रुटि रहले से अपने कहल, त्रुटि रहले ओकर कारण समेत छै, किएक तऽ पैघ पैघ दलक जे नेतृत्व लेबय वाला वर्ग जे छथि, ओ जे छै से किछु स्वार्थ वर्ष में लागि ले, जातीय जे छै हित में बेसी ओ देखलखिन, सब खास कऽ के ओ सब खस आर से आबै छै, चाहे कांग्रेस के लिए या ओहि समय के MLA पार्टी कही, अथवा ओहि समय के माओवादी पार्टी कही, तो एकर नेतृत्वनहार व्यक्ति सब जे छै जे जाति से आबै छै, तो ओकर हित में ई सब काज केलखिन। ताहि लऽ कऽ की भऽ गेलै, जाहि लऽ कऽ राज्य के पुनर्संरचना कयल गेलै,
ओकर ओ ओ उद्देश्य प्राप्त नहीं भेल ओकर ढांचा ओहि ढंग के ओहि ढंग के जेहन इच्छा रहे जनता के ओहि किसिम के नहीं भेले नहीं भेले अपने के विचार में एकटा त भेले के इच्छा अनुसार नहीं भेले त एकटा इहो सब के इच्छा पूरा केने से संभव नहीं छै त एकटा इहो कारण जे नेतृत्व वर्ग के संघीयता में तेहन आस्था रह गेलै त अपने के की लगे एकटा त भेले की जेहन इच्छा रहे तेहन नहीं भेले नहीं भेले आब त सात प्रदेश के संरचना छै अखन सात प्रदेश के संरचना छै त अपने केना लगैए आब जनता मान चुकल छै ई संरचना के नहीं नहीं सब वो क्या तो विभेद में पड़ल वो ई विभेद से मुक्त भइए नहीं सकैए कारण जेना कि मधेसे के लिए गप करू तो एठमा अहाँ के बीच के जे अहाँ के मधेस के भाग जे आठटा जिला सप्तरी से वर्षा तक के लेल गेल अछि ओ एकटा मधेस में कायम भेल अछि और मधेस के जे पूरब के तीनटा जिला भेल और पश्चिम के न दसटा जिला जे अछि ओ सबटा पहाड़ संग जोड़ देल गेल अछि ओ किया जोड़ देल गेल अछि कारण की छै तो फिर वह बात आबै छै खस आर्स के हित में जना कि पूरब के तीनटा जे जिला छै झापा मोरंग सुनसरी ओहि में तीन टा में जे खस आर जतेक जनसंख्या में छथि ओते ओहूसँ कनि कमे कहू तऽ पहाड़ ग्यारह टा पहाड़ में छै आर एकर मतलब की भेलै यदि पहाड़ और मधेस के ई भाग के यदि जोड़ देल जाए एकठाम जेना जोड़ल गेल हँ प्रदेश नंबर एक बनल अछि तऽ ओहिमे भऽ की गेलै अहाँ के खस आज जे दुनू ठाम जे छलथि हँ से मिल गेलथि एकठमा भऽ गेलथि उनकर संख्या बढ़ि गेल हँ यदि अहाँ देखबै समुदाय सभक केहन स्ट्रक्चर छै तऽ प्रदेश नंबर एक मे से 13.5 लाख करीब खस आज छथि और 11 लाख ओहिठमा सब 11.5 लाख राखू अहाँ मधेस छथि ई तीन टा जिला में तो उनका तुलना में तो नहीं एने अवस्था पांच छै एने अवस्था सात छै हम कहिए अब फिर आबि जाओ अहाँ जे राय आ लिम्बू लेबै मेजर का जे छै एथनिक ग्रुप्स ओहिठमा जनजाति जे छै ओकर लेबै संख्या ओ सब पड़ैए 8.5 लाख में 8.5 लाख में पड़ैए तऽ एकर मतलब एकटा डोमिनेंट ग्रुप कोन छै ककर बाहुल्य छै तऽ ओ छै खस आर्ज के ई भेल अहाँके पूरब के बनायल गेल अछि से ओकर हित मे यदि मधेस मे ई बना जोड़ देल जायतै तऽ मधेसी जे ओहिठमा के जे छै अधिकार ओकर रिप्रेजेंटेशन तऽ प्रतिनिधि इलेक्शन जे भेल हन सबसे पैघ तऽ अखन अहाँके सबसे पैघ अहाँके जे ओकर परीक्षा अछि जे कतेक प्रतिनिधित्व नहि यदि नहि होयत अहाँके अहाँके अधिकार तब एहने अवस्था जेना अपने कहलिए एक के छै ओहने अवस्था पांच के छै ओहने अवस्था सात हम कनि प्रतिनिधित्व कनि कहि रहल छी प्रतिनिधित्व यदि अहाँके नहि भेल तऽ अहाँके प्रजा लेल लोकतंत्र आयल तब आंदोलन के बात करै छी जे अहि बात के जोड़ कऽ जे आंदोलन भेलै समग्र मधेस आंदोलित भेलै नै तीन तीन बेर आंदोलन भेलै कतेको लोक के शहादत देबऽ पड़लै ई तऽ दुनो प्रदेश के जनता मात्र आंदोलन नै केने छलै तऽ समग्र मधेस के नहि रहै आंदोलन लेकिन समग्र मधेस के उपलब्धि किया नहि भेटलै ओहन किसिम के संघीयता किया नहि भेटलै कतक कमजोरी रहलै कमजोरी हाँ ई अहाँ ईटा जे सवाल उठेलहुँ हँ कमजोरी के संबंध में तो एहि सब चीज के समीक्षा हेबाक चाही कमजोरी कतौ रहलै हाँ एक तऽ अहाँके सबसे पैघ बात छै जे सत्ता पक्ष में जे छथि हुनकर जे जाहि ढंग सँ ओ सब नीति अपनौलथि जाहिसँ ई संविधान कार्यान्वयन होइ तऽ ओ नीति तऽ पहिलेही से छलै ने चाहे तऽ संहिता दिए के बाद होइ या संहिता एलाके बाद के पास होइ ई नीति भेलनि जे आंदोलन छै ई बुझल छलनि जे आक्रोश हेतै यदि एहि ढंग के संघीय ढांचा अपनाएल जेतै जेना अखन के मधेस के अंग भंग कऽ देल गेल छै पूरब के तीनटा जिला पश्चिम के 9-10 टा जिला के पहाड़ मे मिला देला सँ मधेस के तहस नहस कऽ देल गेल छै तऽ ई बुझल छलनि नहि बुझल छलनि से बात नहि ई जना एहिसँ बहुत चिड़चिड़हत मधेस और आंदोलित हेतै आ एकरा सब मने एकरा तऽ केना ओ एहिके लेल ओसब नीति पहिलेसँ अख्तियार कऽ लेलनि एकरा जे छै राजशक्ति द्वारा बल प्रयोग द्वारा से करब त
टालब हर बात के मतलब वही ढंग के नीति अपने वार्ता में बजायब टाल नहीं थके नहीं नहीं तो अपने के अगर दोष देव पड़े भेल सत्ता पक्ष के तरफ जेहन किसिम के संघीयता के चाहना मधेशी के छले ओहन किसिम के संघीयता प्राप्त नहीं भेल तैमे मुख्य दोषी के मुख्य दोषी तो अहाँ के सत्ता पक्ष है जे जे जन आंदोलन के यदि पूछी तो जन आंदोलन के सत्ता पक्ष अपने कह रहा है तो सत्ता पक्ष किया देते वो तो जिया विरोध में रहले नहीं मधेश आंदोलन के विरोध में रहले सत्ता पक्ष दोषी केना वो दोषी अइ लक छे जे जे कह के आंदोलन भेले ए देश में 62-63 के आंदोलन आन आंदोलन सब भिन्न है एतक बात कनिक हम ध्यान में राख कह रहा छी किया तो 2007 में जे आंदोलन भेल तो सीधा बात छले जे राणा शासन के समाप्त करनाई प्रजातंत्र आन दे ओय में ओय के कोनो डॉक्यूमेंट इत्यादि कोनो तैयारी के कर जरूरी नै केवल एठमा राणा शासन अंत करो के प्रजातंत्र आनो के भ गेल एमे और कोनो बात नै सब समुदाय के कना सब किछ नै सीधा एक सिर्फ एकेटा नारा छले और 46 साल में जो आंदोलन भेले से वह जो 2007 में जो अपहरण भ गेल छे राजा ओकर प्राप्ति के लेल भेले ओकर पुनर्स्थापना के लेल भेले पुनर वह चीज फिर उनमें कोनो नया बात नहीं भेले नया बात 62-63 में जहन आबी छे तखन राजनीति जे जनतो में जे जागरूक नहीं तो 62-63 के जे रहे तो ओहो में तो उत्पीड़ित बड़ आदिवासी जनजाति जते उत्पीड़ित बड़ के लेल भेले से भेल अहाँ जे कहलो दोषी कना से हम कह रहल छी जे 62-63 के जे आंदोलन भेले ओकर जे छै से लक्ष्य जे छै से बहुत विशाल लक्ष्य भेले ओ भेले समावेशी यदि एक शब्द में एक एक्सप्रेशन में कही तो ओ छै समावेशी लोकतंत्र मतलब भेले जे ई दखल गेले जे प्रजातंत्र एबो केले त जे बहुत जे समुदाय जे छे से उत्पीड़ित के उत्पीड़ित ओकरा में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोनो तरह रूपांतरण नहीं भ सकले ओ कोन वर्ग सब छले तो ओ छले हन बिल्कुल मधेशी दलित जनजाति महिला मतलब उत्पीड़ित के लड़ाई मुख्य रूप से कही तो जिन सत्ता में देखल गेले ओना 2007 से होत रहले जया बिल्कुल ओ आई कांग्रेस रहे ने नेपाल तरह कांग्रेस रहे 62-63 के आंदोलन जे छले से आहा के किछ मुट्ठी भर के लेल प्रजातंत्र के प्राप्ति करे के लेल नहीं छले हन ओकरे में केवल विकास ओकरे में अधिकार होइ स्थित लक नहीं छले हन अपने कह रहल छी कि 62-63 के बिल्कुल समय में विशेष क जे उत्पीड़ित वर्ग से तिनका सब के लेल आवाज सब के लक्षित समावेशी लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र के नारा चलल छे जी त 62-63 के आंदोलन के मधेश आंदोलन व्याख्या के लिए कहल जा सके नहीं एक हम कनी के रति रख चाहे छी में जे ई जे कहि जे जे बात कतो छे तो ओ जे सात दल जो समय में केने रहे जे में माओवादी के सोह समर्थन भेले माओवादीओ सड़क पर आयल छे इमर उनका ध्वंसात्मक गतिविधि सोच रणनीति में रहन आ ओहो सब सड़क पर आयल छे बुझलिए जहन 12-point एग्रीमेंट हुई छे ओहि 12-point एग्रीमेंट 12 सूत्रीय समझौता जे भेले दिल्ली में ओहि सब पहले 6-point एजेंडा पर ई सात दल से ओ 6-point एजेंडा के विषय में किछु कहबे में त अपन हो मसौदा कार्य एजेंडा के मूल मंत्र कहबे त ओ छै से समावेशी लोकतंत्र पर आधारित मतलब भेले सत्ता में सबके अधिकार भेटे सामने पहुंच हुई जी तो आपने जनाकि 6-point के बात करी या 12 बुद्धि जे ओही में राज्य के सेवा में राज्य के पुत्री द्वारे सिखना हासिल होते ई त छले मतलब ई ओही में राज्य के पुनर्संरचना के बात में उठाल छी ओ कना कैल जाय किया कैल जाय कना कैल जाय तो ओकर आधार सब देने छै 6-point में किया कैल जाय तो विभेद अंत करब तो आप सवाल है अहाँ जो अखन का जो ढांचा आयल हन राज्य के पुनर्संरचना अंतर्गत संघीयता के जो स्वरूप आयल हन मधेश आंदोलन की भ गेल तो विभेद के विभेद कायमे रह गेल जना कि जे हम कहलहुँ अहाँ के मधेशे के एकटा उदाहरण लेबे तो करीब करीब अहाँ के 40 लाख मधेशी अहाँ के जे अहाँ के पूरब के 3 जिला और पश्चिम के जे छे जे विभिन्न प्रदेश में चले 5 और 7 अन्य में गेल छे ना मधेश के भाग तो ओहि ठाम के देखियो अहाँ तस्वीर प्रतिनिधि सब प्रतिनिधित्व केना भेल छे इलेक्शन के एक तरह शीशा एना जका देखात गई किया तो प्रतिनिधित्व अहाँ के यदि नहीं भेल
अहाँ के अधिकार केना भेटत गे अहाँ के किया तो लोकतंत्र के कहे छे प्रतिनिधि मूलक शासन व्यवस्था प्रतिनिधि मतलब जनता अपने नहीं जाय छी जनता के सरकार हुई छे लेकिन जनता अपने नहीं शासन करी छी अपन प्रतिनिधित्व द्वारा तो ये मधेश के 40 लाख जे विभिन्न प्रदेश में जो राखि देल गेलै पहाड़ संगे जोड़ के जैमे की भ गेल छे कि अहाँ के खस आर्ज के बाहुल्य भ गेल छे प्रतिनिधित्व के नक्शा देखबे अहाँ कनी एक गति हम राखि देबऽ चाहे छी जे अहाँ के संघीय संसद जे अछि प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा ओहिमे अहाँ के से 13 जनसंख्या के हिसाब से मधेसी के प्रतिनिधित्व होबाक चाही 13 ओ नहि अछि और मधेसी दलित जेकरा मधेसिये कहबे अहाँ जे डोम दूसरा अत्यंत पिछड़ल जे वर्ग जे अछि ओहिमे से ओकर जनसंख्या जे छै ओहि हिसाब से 12 सांसद होबाक चाही दलित वर्ग से मतलब भेल जे मधेश के 25 से सांसद ओहिठमा होबाक चाही राष्ट्रीय एकर मतलब भेल ओहि क्षेत्र महक रहनहारी सब जे छथि ई गेलै कतय ई प्रतिनिधित्व ककरा में चल गेलै तऽ 47 जे छथि अहाँ के खस आर्ज सांसद लोकनि दुनूमे ओ अपन जतेक 31% दू जे छनि हुनकर जनगणना हिसाबसँ जतेक हेबाक चाही हुनकर अपन समानुपातिक ओहिसँ ओ 47 सांसद कनिटा नहि भेलै ई जे मधेसी दल दूटा अछि जे राष्ट्रीय पार्टी का दुनू दल के मिलाइयो देबै तऽ सांसद ओतेक नहि पहुँचै छै 47 अपन थप से ओ 88 सांसद हेता खस आज तैसे बेसी 47 ओहिमे ई तऽ अपने कहली कि परिणाम के बात कहली कि अधिकार से परिणाम चलेले परिणाम एहन एलै से अपने कह रहल छी कि एहन किसिम के परिणाम एलै जे मधेसी के हित नहीं कह रहल छी से अपने कह रहल छी एक तो अपने आरोप लगे दोष दिलिए कि सत्ता पक्ष नहीं मानो के बड़का दल सब जी सत्ता पक्ष उनका सब कारण है परिणाम है आंदोलन के मर्म आंदोलन होते भले आंदोलन के हमर इच्छा जे आंदोलन के मर्म के विपरीत जनता संगे कबूल कैल बात जे 6 एजेंडा में 6 जे दस्तावेज ऐतिहासिक दस्तावेज जे के आधार पर इंटीम कॉन्स्टिट्यूशन बने ओय में कनी कमी कम जो रहल तहन मधेश आंदोलन चलले किया तो ई सब जे छले थन बड़का बड़का दल सब जन राजा के पुनर्स्थापित कर देल गेल आई जे अहाँ के संसद जहन पुनर्स्थापित होइए गिरजा ओ प्रधानमंत्री होइ छथि ओकरा इंटीम कॉन्स्टिट्यूशन बनैए तकर बाद जे बड़का बड़का पार्टी हटैत गेल कमिटमेंट से ताहि दुआरे मधेश आंदोलन भेल किया तऽ ओहिमे जे छै संहिता सब नहि अयलै प्रतिनिधित्व के जे हिसाब किताब रहै 205 वाला जमाना के छल सब पहिले इंटीम कॉन्स्टिट्यूशन देल गेलै आब हम कहै छी जनता के धोखा मतलब ई जे भेलै काज से जनता के धोखा देनाय काज अपने द्वारा ओ सब मधेसी संग जे एग्रीमेंट भेलै या कहि तहिया के माओवादी संग जे एग्रीमेंट भेलै तो ओय अनुसार सरकार आगा नहीं बढ़लै सत्ता आगा नहीं बढ़लै एग्रीमेंट अनुसार नहीं बढ़लै धोखा देलकै जे हुए तो आब तो भेलै एकटा तो होइ छै कि अधिकार प्राप्ति के लेल लड़ा वाला पक्ष एकटा होइ छै अधिकार मतलब जे एग्रीमेंट भेलै से पूरा करय वाला पक्ष भेलै ओ अपन पूरा नहि केलकै आब लड़य वाला जे संघर्षरत पक्ष जे छै मधेश के नि दल सब अखन मधेश के विषय पर बात कयल जाय मधेसी के अधिकार प्राप्ति के जेना अपने तथ्यांगत हिसाब से कहलिए से अत्य अधिकार प्राप्त होइतिए जेहन किस्म के संहिता हमसब सोचने रही ओहन नहि भेलै तऽ नहि भ रहल छै ओहन किस्म के अधिकार प्राप्त नहि भ रहल छै ओहन किस्म के प्रतिनिधित्व नहि भ रहल छै जेना अपने तथ्यांगत बात सब केलिए तो ओहिमे एकटा तऽ भेलै ओ जे अधिकार देते सत्ता पक्ष नहि देलकै एग्रीमेंट पूरा नहि केलकै एकटा पक्ष जे संघर्ष करै छलै ओतेक बलिदानी भेलै ओ संघर्षरत पक्ष के विषयमे अपने की कहबै ओ सब ठीक केलकै या ओ सब करय नहि चाहलकै ई तऽ अहाँके बहुते मार्मिक सवाल अछि ई जे पुछलहुँ हँ अहाँ जे ई तऽ सत्ता पक्ष के तऽ अपन नीति रहै तऽ पहिले से नीति से अपन नीति में सफल भेलै हुनका कहल यानी जे लिय नहि सकल जे लड़ैत रहथिन जनता के लिए जनता जे साथ दैत रहन एतेक शहादत देलकै एतेक कष्ट हर तरह कष्ट मने शारीरिक कष्ट मने घायल भेल मने अनेक किस्म के कष्ट घर से भागय पड़ल छै जेल में छै
মানে এহেন ঢঙ্গ অবস্থা ছে এখনো এটা চুনাব জিতিও কে উনকা যে ছে ও ও জেলে মে ছে সংসদ মে উনকা নে উপস্থিতি ভ রহল ইছ তা ই সবটা রহলে মতলব ভলে যে এটা উহম করে আন্দোলনকারী পক্ষ কে যে নেতৃত্ব করে ছে উনকার দোষ কি উনকার ই আহা কে কোন বহুতে মার্মিক সবাল এই পর বহস বেশি হবাক চাই क्या यदि एमे कतौ कमी कमजोरी रही गेल तो ओ ओ ओ ओकरा तखने ना सुधार सके छी जहां देखबे में की कमी कमजोरी भेल तो ओहे त कहली कमी कमजोरी की रहल एमे देखियो आंदोलन करनार नेतृत्व वर्ग में समेत कमी कमजोरी देखल गेल जना कि उदाहरण हम कनी दे छी अहाँ के ई जे सीमा के जे छला नाकाबंदी करनाय वाला जे भेल तो कनी एकटा एग्जांपल दे छी अधिकार लेबक लेल हम कोनो तरहक विरोध कऽ सकै छी नाकाबंदी जे छै से हथियार वाला आंदोलन नहि छलै ओ शांतपूर्ण आंदोलन नाकाबंदी नाका पर ओहिठमा जाकर कोनो चीज जाने देब रोकि देनाइ इत्यादि शांतपूर्ण अपन आंदोलन ओ सब करि गेलै नाकाबंदी लेकिन नाकाबंदी के बढ़िया जकाँ सब मैनेज नहि कऽ सकलै ईसब ई ब्रह्मास्त्र छलै हमर हिसाब से भविष्य में समेत आओ वाला समय में एहन कोनो बात नहीं छे जे नाकाबंदी पर हमरा से नहीं उतर सके यदि यही तरह सत्ता पक्ष सब लागल रहत जे कोनो रास्ता नहीं देते समस्या के समाधान नहीं करते असमानता रखते केवल सबटा अधिकार संपन्न वह हेते वही ढंग के अखन समावेशी लोकतंत्र के जस एही का दुनिया मतलब जते बल दिए के चाहे जते दबाव दिए के चाहे जते बल छले या वही अनुसार के दबाव देव नै सकबै एकदम देश के नि दल सब से करना कि आ के हम आ कहलौ ई जे आ के सबसे पैघ ब्रह्मास्त्र के प्रयोग भेले आ के नाकाबंदी के एकरा बढ़िया एक आसम मैनेज नहीं कर सकते मैनेज नहीं करो के मतलब की मैनेज कना हिते मैनेज तो पहले जनता के अहाँ ठीक से नहीं बुझा चुकल छी ओहिमे अहाँ जनता जे अहाँ के साथ देत तो ओहिमे जनता ठीक से बुझा जनता भावात्मक ढंग से अहाँ के साथ अछि ओकरा दिल से साफ लेकिन दिमाग से ओकरा किएक तऽ की एजेंडा अछि से स्पष्ट नहीं अछि हाँ आ दोष ककरा पर जा रहल छै तऽ भारत नाकाबंदी कऽ रहल छै एहिठाम राज्य पक्ष हरदम दोष भारत भारतीय के दलकै हन भारत के सरकार के दलकै हन कहियो एकर विरुद्ध में आवाज उठलै हन कहियो एकर विरुद्ध में सड़क आंदोलन भेलै हन जे ई आंदोलन नाकाबंदी हमरा सब केलौ नाम ओकर मतलब भेले जे ओ तै सकी भ गेलै दबा जी दबा नै पहुँचलै कनि ब्रेक लड़ छी दर्शकबिन अखन ब्रेक ब्रेक के बाद फेर बातचीत करम जाय रहल ब्रेक बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम में आ स्टूडियो में छथि प्राध्यापक अमरकांत झा ओ राजनीतिक विश्लेषक छथि हुनका से आय जे ई संहिता छै संघ प्रदेश आ स्थानीय त संहिता में देश जा चुकल छै तीन त के संरचना निर्माण भ रहल छै वास्तव में जनता के अपेक्षा अनुसार संहिता बनलै कि नै बनलै बनलै त केहन किसिम से आगा बढ़ रहल छै अगर नै बनलै त किनका सबके दोष रहले त अइ विषय में एकर संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत कर रहल छी झा जी जेना अपने कहलिए दोष के बात एकटा त भेलै सत्ता पक्ष के दोष उपलब्धि जेहन हासिल होक चाही मधेसी के आंदोलन से प्राप्ति होक चाही क्षति बहुत भेलै आंदोलन से क्षति बहुत भेलै ओकर उपलब्धि कम हासिल भेलै से अपने कहि रहल छी दोष के बात अपने एकटा कहलिए कि नाकाबंदी वाला बात सब कहलिए आब ई सब कालखंड त बीत गेलै नै किछु पुरान बात सब के लिए कालखंड बीत गेलै अखनका प्रेजेंट के अगर बात कयल जाय तऽ पछिला समय में जोर शोर से उठल विषय छै संविधान संशोधन मधेश के नीति सब दल सब संविधान संशोधन कराबा चाहै छै आब हम अपने से ई पूछऽ चाहै छी अपने बहुत पहले से ई विश्लेषण कऽ रहल छै ई विषय में कि मधेश के राजनीति के मर जा रहल छै आंदोलनकारी के इच्छा पूरा भ रहल छै कि नहि भ रहल छै
अखन जे संविधान संशोधन में जे विषय सब छै जे बात सब छै जे मांग रहल छै मधेश केन्द्रित दल सब वह मधेश केन्द्रित मधेशी नेता मधेशी जनता के अपेक्षा वह छलै वह लक आंदोलन भेल छलै नै जनता जे जे विषय अधिकार के लक जे विषय सब लक आंदोलन केलके तो ओ त ओ विषय सब त नेतृत्व वर्ग जे छै मधेशी दल के नेता सब जे छै ओ त ओ सब उठेने छै ओ बात के जै में यदि पहिलका देबे संशोधन के एक प्रयास जे भेले जै में ओ अहाँ के संविधान नै त 22 बुदे समझौता भेल रहे 8 बुदे समझौता भेल रहे तेमे स अधिकांश बात अखन छै नै ओ अहाँ के त उपलब्धिए यदि कही त नै के बराबर भेल छै एकटा त भेले दिए वाला या कही अधिकार जे सब मांग रहल छै दिए वाला जे छै ओ धोखा देल के जनता से एकटा त भेले आ एकटा अपनो घट छोड़ गेली बात एक लाइन में कनी हम थप जे कहले एहि में ओहि के साथ खस बुद्धिजीवी जे छथि और अपने सब चैनल में काज करै छी त हम कनी कहब त कनी एकरा दोसर ढंग से नहीं लेबै ओहु में जे जे अपने जे अहाँ के मेन स्ट्रीम के जे अहाँ के संचार माध्यम जे जे खास कर कही तो खसे डोमिनेट खस आज डोमिनेट जी तो वो मीडियमो सब के जे मीडिया सब के जे जे रोल हेबाक चाहिए जे ढंग से अखनो ने वो ढंग से भ रहल छे वो ओझल में करो कि इशूज सब के जे छे जे उठा रहल छे मधेश आंदोलन जे मधेश आंदोलन मात्र मधेशी के लिए नहीं छे ये पूरा संपूर्ण उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के छे राष्ट्र भर के मधेशी के मात्र छै और आदिवासी के जनजाति के नहीं छै तेन किसी नहीं नहीं प्रचार कैल जा रहा नहीं वो सब सब का अधिकार ये एक एक पक्ष के भइए न सकैए अधिकार जखने एक टा के भेटते तो वही से जुड़ल छे दोसर तो अपने के केना लगे जे हिसाब से दोषी के लिस्ट ले तो बड़का दल जे जनता संगे धोखा दलखिन संविधान सभा समेत धोखा रहले ओकर जब कार्यशैली सबटा धोखा के नै त हम ई कह जाय छी 2063 साल माघ दू गते से जे किसम से आंदोलन चल के चढ़ले मधेश विद्रोह जे शुरू भेलै तो तहिया के एजेंडा तहिया के जे मांग सब रहे वह मांग लक मधेश की निदल सब अखन चल रहल छै कि किस त उनी से छोड़ा देले कि सब छोड़ देले एजेंडा तो सब वह रखने छै जैमे कि सब पहलू जे संसद में संशोधन के लिए राखल गेल जैमे अहाँ के दू तिहाई नहीं पहुँचल लेकिन 58% जे छल से तो समर्थन केने छल ओ ओ जैमे एजेंडा सब छलन एकटा छलन अहाँ के जे एकर सीमांकन के संबंध में 7 प्रदेश जे एकर सीमांकन फिर से करू इस संबंध में इशू छन तकर दोसर इशू छले हैं राष्ट्रीय सभा जे एठमा अपना एठमा जे बनल छे राष्ट्रीय सभा विश्व जे ढंग जे 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 स्वभाव के ये राष्ट्रीय सभा इच ई जे छे अई ढंग के विश्व में ने एकर ने गठन होय छे हन ढंग जे में स्थानीय तह के सोहो प्रतिनिधि होय ई जे छे अखन राष्ट्रीय सभा के बनावट जे छे ई बहुते डिफेक्टिव छे स्थानीय तो माने गांव पालिका नगर पालिका के जे छथि पदाधिकारी खास कर अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर ई सब जे छथि सेहो अहाँ के राष्ट्रीय सभा के निर्माण गठन में वोटिंग राइट उनको छै पर्सन ओकर जे जे छै से वोट के जे जे ओकर मात्रा जे छै से भिन्न भिन्न राखल गेल छै और दोसर छै प्रदेश सभा के जे सदस्य सब छै त ई जे छै अहाँ के अइ ढंग के राष्ट्रीय सभा के गठन विश्व में नहीं होइ छै विश्व में जना जत देखू भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका स्विट्जरलैंड जत के लियो बेल्जियम जत के लेबै तऽ ओहिठमा के जे छै अहाँ मने अहाँ के प्रोविंस के जे छै सांसद लोकन प्रतिनिधि इलेक्टेड मेंबर्स ओ सब वोट दै छथिन तखन जे छै से अहाँ के सीनेट बनै छै बहुत संहिता के विषय में विश्व मापदंड जेहन छै ताहि अनुसार नै आगा बढ़ै छै जेना कि सीने ओ कहै छै जेना बहुत ठाम एकर नाम सीने जे अपना एकटा राष्ट्रीय सभा छै ओकरा सीनेट कहै छै स्विट्जरलैंड अमेरिका बेल्जियम आदि देश मे स्विट्जरलैंड सीनेट कहै छै भारत में ओकरा राज्यसभा कहै छै तहिना साउथ अफ्रीका में नेशनल असेंबली एक ढंग के जे वोटर जे होइ छै से
गाँवपालिका नगरपालिका नहि, एहिठाम गाँवपालिका नगरपालिकामे जे संख्या देल गेल अछि 50% बेसी जनसंख्या छै मधेशमे, आ एहिठाम 257 अछि गाँवपालिका नगरपालिका, मने एकर पदाधिकारी कम भेलै, आ पहाड़मे से 486 की कथी किछु, मतलब कतेक मने डिफरेंस छै। जी तऽ हम अब बात सकी भऽ गेलै तऽ ओहिमे के जीतके अयतै इलेक्शन इलेक्टेड। ई तऽ भेलै, ई तऽ भेलै जे अपने कहि रहल छी कि विश्वके मापदण्ड अनुसार आगाँ नहि बढ़ि रहल छै, ओहि अनुसार संहिता बनबे नहि केलै, तऽ आओर जे हँ निचका तह सब ओ आब नहि भेलै से अपने कहि रहल छी। हम ई विषयमे बात करै छलियै, कनि कनि मुद्दा डाइवर्ट भऽ गेलै जी, जे संविधान संशोधन के रटान तो बहुत दिन से लागि रहल छै, पिछला समय में 7 दिन के फिर म्याद भेटले है, प्रधानमंत्री कहलके कि आप 7 दिन में मतलब प्रक्रिया आगा बढ़ेबे, ई संविधान संशोधन जे शब्द छै कहिया धैर सुनते मधेसी जनता, संविधान संशोधन होते आय होते काल होते कहिया धैर चलत रहते, आश्वासन कहिया धैर भेटत रहते सत्ता पर। अखन तो आश्वासन ई तो देखे के छै, तो अखने नहीं ई तो बहुत दिन से चल रहल छै ने। हां ई तो बहुत दिन से ई के लेल तो 36 बेर पहले ओहि आंदोलन के समय में 36 बेर बजा के थका के छोड़ माने किछ नै केलखिन सब समाज, नै तो एहि बेर के आश्वासन के कोन रूप में लड़ल छै, ई अंतिम आश्वासन हेतै एहि संबंध में हम जो कोनो नेता के पूछलियन तो ओ कहलन देखू कि है सब एहिना तो बजायल जाइया तो प्रतीक्षे करऽ पड़े, एकर कोनो नै कहि सकै छी हमरा से कोनो कहलन जे हमरा से नै तो ई क्रम कहिया धैर चलल त एहन आश्वासन तो पहिले भेटल छै, नै तो एकर मतलब छै जे हम अहाँ के आंदोलन में जाय पड़त, ई जे छै एहि ढंग से अधिकार विहीन के अवस्था जे छै से नै चल सकै छै, नेता जाय पड़त अपने कहलिए तो से एक तो कहलिए कि नेतृत्व पहले से किस गलती कह रहा है मधेश की नेता ओई पर तो समीक्षा बिल्कुल समीक्षा करने से बहुत जरूरी छे आवश्यक छे, तो ओकर निरंतरता मधेश की नी दल से एखनो जारी छे से कहबे समीक्षा करबाक चाही त्रुटि केनाय के क्रम जे छले तो एखनो जारी से सिखि रहल छे न, ओ अखन ओ कहते यदि ओमे त्रुटि छे आ हम सब देखै छियै ओमे त्रुटि सब भेल छे तो ओहि चीज के समीक्षा हेबाक चाही और सुधार के अपन जे छै से आंदोलन के कोर्स बनेबाक चाही, ओकर रोड मैप बनबाक चाही, बिना यदि मान लिय अहाँ के ओ यदि एही ढंग से ठगैत रहथिन आश्वासन देत रहथिन करथिन किछ नै तो तखन आखिर कोन उपाय, विभेद के अवस्था में तो नै रहल जा सकै छै, तो अपने के विचार से की करबाक चाही आंदोलन में जाय के चाही, बिल्कुल आंदोलन में जवाब के करते आंदोलन अखन आंदोलन के तब मधेसी दल के अगुवाई लेबे पड़ते न, उनमें जिनके आह्वान पर ते तो हो करा के लेल तो मधेस के दल तो पहले एकताबद्ध हो पड़ले ने, एटा मोर्चा बनावे पड़ले ने, तो वो तो नहीं छै चुनाव बेर में राजपा फोरम दोनों मिल जाय छै नहीं, जखन नेता के उपलब्धि प्राप्त करे के अवस्था हुए पार्टी के उपलब्धि हासिल करे के अवस्था हुए तखन दोनों मिल जाय छै, जखन जनता के उपलब्धि प्राप्त करे के लिए दबाव दिए के अवस्था होय छै तखन दोनों अलग हो जाय छै, वे अवस्था छै अखन नै, अखन मतलब ई चीज जे छै से अहाँ के जे कहबै अधिकारो के लेल आंदोलन करय में सब मिल के नै गेलै से अभियोग नै लगा सकै छी, ए लग तो वएह तो देखलकै आब विभिन्न फोरम नेपाल के बात करी तो फोरम नेपाल अखन जे कहल जाय तो संविधान संशोधन के सौ उच्चारण नै करै छै नै, ठीक है फोरम नेपाल नै भाषण बलि करे होय जे औपचारिक रूप में होय के दबाव दिए के बात होय तो ऊ चीज सब कतो ने भरल छै, राजपा की केल के अब समर्थन तो देने छै अब जाके फिर रिक्वेस्ट केल के कि 7 दिन में कहल के प्रधानमंत्री आश्वासन देल के तो अपने के केना ले रहल छै, दोनों दल तो दो किस्म से आगा बढ़ रहल छै ने, एकटा एमे विचार करके चुप्पी साधने छै विचार एकटा विचार करो कि जना कहलिए ने जे जहन अधिकार के बात आबे छै आंदोलन के बात होय छै तहन ई सब अलग अलग तो से बात एहन ढंग के मूल्यांकन ठीक उचित नहीं हेतै, एहि लक जे जहन अखन तो दूटा सरकार में छै राजपा सरकार में छै अखन तो अहाँ के दूटा मोटा मोटी पार्टी मधेश में अछि जे मान्यता प्राप्त अछि जेकर प्रतिनिधित्व छै संसद में प्रदेश में सरकार छै, तो ई सब तो जहन जना कि राजपा ये छोटा पार्टी सब बनल अछि जहन अलग अलग छोटा पार्टी छल तखनो तो मोर्चा तो छलै
मधेसी मोर्चा आंदोलन करे लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आंदोलन करे छल सब फोरम से सब ओइमे छल त मिल क त काज कर निकलत से बात नै आ ओ ओइ ढंग से लेकिन एठमा छै कि ओकर समीक्षा होनाय जरूरी छै जे कत त्रुटि भेल कोन चीज के त ओइमे जे जे कहब हमर एकटा आग्रह ओ ओइ पक्ष पर जाय आंदोलन में जनाय जरूरी छै और आके समीक्षा होनाय जरूरी छै जैसे ओ कमी कमजोरी के से ओ मतलब ओ जे छै से ओ ओ ओ चीज के जे छै से कमी कमजोरी के दूर क क आगू बढ़ के आवश्यकता छै जे माने कमी कमजोरी जे भेलै आ जहाँ तो रहलहुँ फोरम के बारे में उछलहुँ तो नहीं उच्चारणों में कोनो शब्द के कहल छै तऽ ओहि पहुना हमरा कहनाय कनि कठिन अछि लेकिन ओहो सब एजेंडा के छोड़ने छथि से बात नहि छै ओहो सब हुनको सबके पार्टी भीतर में भेल छलनि निर्णय हाल में जे मीडिया में देखलियै जे ओ सब सरकार सब मांग करथिन जो जे 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 समझौता भेल छलनि जे के चलते ओ सरकार के समर्थन केलखिन गवर्नमेंट में गेल छलथि तो ओ चीज के पूरा करने तो हमरा सब सरकार से अलग बजाब आ विरोध आंदोलन राजपा सरकार में नहीं छे राजपा प्रत्यक्ष सरकार में सहभागी नहीं छे फोरम सरकार में सहभागी छे अतेक दिन भ गेले नहीं उपलब्धि हासिल करक छे दुनू पार्टी के वह छे संविधान संशोधन उपलब्धि त इहे चाहि न बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धि हासिल करबाक लेल एकटा सरकार में छै दोसर सरकार में नहीं छै नहीं छै ओहि सब देखियो रिजल्ट की निकल रहल छै रिजल्ट सुनना दोनों साइड से चाहे वो सरकार में गेलो पर किछो भ रहल छै आ राजा पर सरकार में नहीं हो गेला पर किछो भ रहल छै कोनो फर्क नहीं छै कोनो फर्क नहीं छै एहि दुआरे त एकरा कुंड पे लागल छै ठीक छै रिजल्ट आखिर दोनों त एकेटा निकल रहल छै ने जना ई बढ़िया बात जे अब हम जहां कह रहल छी कि राजा पर सरकार में नहीं गेला पर संशोधन कह देन रहती त सेहो नहीं भेलै फोरम सरकार में गेलो पर संशोधन नहीं भेले तो उपलब्धि मूलक काज दोनों पार्टी में सके कर रहल छै ने कोनो ओइमे उपलब्धि के तो कोनो बाते नहीं आबै है तात्विक कोनो फर्क नहीं बेटा सरकार में गेले बेटा नहीं गेली तै लक ककरो एक दोसर के ब्लेम लगेला से काज चलो वाला नहीं है मूल चीज छे जे 7 दिन के जे समय देलखिन आ एई में जदी उपलब्धि नहीं होई छे संतोषजनक समाधान नहीं खोजल जाई छे त दोनों पार्टी के तहन आगू बढ़वाक चाही मिलकर आंदोलन के आगू बढ़वाक चाही आप कनि पार्टी के बात करै छी राजपा राष्ट्रीय जनता पार्टी जे पिछला समय में विवादित भेलै है अपने ओहि पार्टी के सदस्य सेहो छिए केंद्रीय सदस्य राजपा के की छै ई विवाद के कारण ई संयोजक परिवर्तन भेला के बाद जे अखन एक किस्म से आंतरिक विवाद चल रहल छै तेकरा कोन रूप में लड़ल छै ई जे घटना घटल हम घटने कहब दुर्घटने कहब जबकि ई अगहन 4 गते के छै मीटिंग जे भेल छलै हन जाहिमे ई परिवर्तन वाला बात भेलै अध्यक्ष मंडल के नेतृत्व संयोजक के रूप में जे परिवर्तन भेलै ई घटना जे छै से बहुत अप्रिय ढंग से 2-3 कारण से अप्रिय ढंग से एकरा मानल जेतै एक तो बात छे कि अखन वो अथी में जा रहल छे कि के छे आहा के ओ जे छे आहा के नेशनल कन्वेंशन में जा रहल छे ओकर संघार बैसाख में ओकर नेशनल कन्वेंशन करेबाक छे एहन अब ओकर सब अतिथि सब सब घोषित भ गेल छे एहन अवस्था में पार्टी के जे नेतृत्व जे छे परिवर्तन ई विश्व में नहीं देखल जाए छी या ये हमरा एक गोटी हम ये हमर अपन जानकारी हमरा आय एक विशिष्ट व्यक्ति संगे गप भेला पर भेल ते द्वारे एकर हम एठमा चर्चा करै छी हमहुँ ई बात के ओ जान हमरा बतेलथि हाँ ओ व्यक्ति राजनीति छथि बड़ा सजग नेतृत्व वर्ग छथि तो ओ जान ई बात कहलनि तो बड़ा टच कलक जे 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 अहाँ के महाधिवेशन के संहार में छी तेठमा परिवर्तन करनाई सामान्यतः विश्व में नहीं पाएल जाए एहन ढंग के
ई जे छे से अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस छे ये आना देश में ना नहीं हुई छे नहीं तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस के जहां तक बात करी छे तो बहुते चीज नहीं मिली छे कम तो नहीं छोटा आदमी सुत नहीं छे ना तो तो खैर हमरा आज हमरा वो बात हमरा लग में आल तो बड़ा टच के लगत ई बात हम वहां के रख रहल छी दोसर बात छे कि जे जे ढंग से ओहिठाम ओहिठामका वातावरण जे जे छलै हन जे हमरा सबके मीडिये से आयल अछि कोनो कहब कोनो नेता ओहि छओ में से केओ बतेलनि ताहि ढंग के से बात नहि अछि मीडिये में जे आयल मीडिया में बहुत आयल हन ई सम्बन्ध बहुत उछाललो गेल अछि ई बात सब भेल हन तऽ ओ जै ढंग से भेल एकर अध्यक्ष एकर जे संयोजक रहथि से महन माननीय महन ठाकुर जी आ उनका मैंने हटा हटायल जे विस्थापित शब्द प्रयोग हटायल गेल ओ कोनो जे उनका चक्रीय प्रणाली के जे हवाक चाहिए दू महीना पर बदलब जेनाइ से तो कहियो नहि भेल छलै एते दिन तक में जे राष्ट्रीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद से तो कहियो नहि भेलै लेकिन इम्हर महाधिवेशन संहार में एहि ढंग से जे कयल गेलै जे चीज तब ओकरा हटायल गेलन से अभियोग के साथ मने अपमानित जे व्यक्तित्व के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अपन छवि छे तेकरा जे अभियोग के साथ केनाय जे छे से और ई कनी विचित्र बड़ा शॉकिंग बहुत ऐसा जे उनका में विश्वास रखना आस्था रखना उनका जे फॉलोअर हमू अपना के एकटा मानै छी बुझलने संविधान बनै छल जहन गलत ढंग से देखलिए एकटा खास जाति विशेष जाति के लिए जकरे सब दिन अधिकार छलै ओकरे निरंतरता तखन कांग्रेस छोड़ने रही 1972 भादो के 22-23 गति के हम किछु साथी के साथ हम नेपाली कांग्रेस छोड़लहुँ तऽ हुनका सङ्गे पहिलो सँ छलै कांग्रेस उम्र तऽ उस समय में रहे घनिष्ठता रहे जे रूप में सब जनै छन हुनका तऽ ओ जे प्रजातंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए जीवन भर लड़लथि और मधेसी कॉल के लिए जी अपने कहलिए कि एना नहीं हेबाक चाहिए से भेलै से घटना भेलै राजपा में एना नहीं हेबाक चाहिए माने दोष लगा कऽ एहि ढंग सँ जे जना भेलै से बहुत अप्रिय लागि रहल एकर मूल जड़ की छै एना ई घटना होनाइ के एकटा बात की छै कोनो राजनीति आदमी के से बदनाम करक एकटा सबसे बढ़िया हथियार की छै ओ छै जातिवाद जातिवाद के लगा देल जाय तहू में जे जात से ओ आबै छथि मतलब अपने ये कह रहे थे राजपा के संयोजक परिवर्तन भले से लोकतांत्रिक पद्धति नहीं अपनाओल गए जातिवाद हावी रहे जातिवाद मतलब तो एक कलंक लगा के ककरो पर लगाल जा सकैए बुझल गेल ने ककरो पर ये लगाएल जाए बहुत आसान ई छै हथियार एकर हमरा सबके अनुभव अछि ओ सब बात अखन नहि अहाँके समय लिचा गेल है ताहि दुआरे कहै छी ई बहुत आसान तहूमे कोन जे जाति से आबै छै माइनोरिटी कास्ट छी ओ यदि नाराजो भऽ गेल कनि काल के लेल हम दोसर जाति के छी हम अभियोग लगा देलियै ओ जाइते यदि नाराज भऽ जाए तऽ की करत बहुत एक्सट्रीम माइनोरिटी में पड़ैए तऽ ई सब चीज एहन व्यक्ति के जे छलै से लगबऽ के कोनो नियुक्ति फलना ई सब के लऽ कऽ छलै से ओ असगरो केने नहि छथि मानि लिअ सबके नहियो पूछने हथिन तऽ हुनका जे और अध्यक्ष जे छथिन अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष जे छथिन हुनकर सबके प्रेशर पर केलखिन से ओ व्यक्ति सब ओहिठमा छथि सुनि रहल छथि लेकिन कोनो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहि कि जवाब दी केओ जे अभियोग लगा देथिन ई सब परिस्थिति जे ओहिठमा जे जी आब अंतर्गत सेहो चलि रहल छी ई जे अहाँ सबके पार्टी के भीतर विवाद छै ई केना समाधान बहुत दुखद ई एकटा तेसर बात अछि जे विधान विपरीत अछि किएक तऽ सर्वसम्मति सँ निर्णय ओहिमे एकटा अध्यक्ष जे छथि माननीय अनिल झा ओ ओहिमे से सही एहिमे सहमत नहि देखने छथिन हालोमे परसुखन मीटिंग भेलै तऽ ओहिमे बहिष्कार ओकरा बहिष्कार कनि जे अहीँ सबके मीडियासँ बुझऽमे आयल तऽ कहक मतलब ओ सर्वसम्मति विधानमे सर्वसम्मतिसँ निर्णय लेबऽके अछि आब अंतत्वमे से चलि रहल छै समय अपने केना लगै पार्टीके भीतरके विवाद केना कऽ सल्टायल जा सकै नहि तऽ एकरा तऽ करेक्शन करनाइ जरूरी छै पार्टीके कोनाके मतलब ई भेलै जे ओ जे ओहि दिनका चारि गतेके जे ओ निर्णय अछि ओ निर्णय कह रहल छी कि पार्टी के अनुसार विधान अनुसार नहीं भेलै नहीं से एकटा
बिल्कुल ना जो ओइमे ओ तो पिछला समय बैठक के स्टेटमेंटो जे निकल छ मैं जोरदार हूं ना बुझ हम आइबे छ केना केना पर्सनल जा बैठक में लिखल ई सब केना केना कर भेल ए सब पार्टी के बहुत छवि पाछ पर अपने करल छी एना नहीं होवाक चाहिए आप जे बैठक बैसले पार्टी के छवि दुरुस्त करे के लेल ओकरा प्रधानमंत्री ल भेट घाट करे के बात होए त के काल भेने फिर जे अध्यक्ष मंडल के बैठक बैसले ओइमे महन ठाकुर जी सहित के सब के सहभागिता रहे खाली अनिल झा अनुपस्थित रहले ओ जब बहिष्कार के गेले कार्यालय में रहे लेकिन उपस्थित नहीं भेले मतलब एक किस्म से जिनका सब के बीच विवाद छे विवाद महन ठाकुर या राय में तो महन ठाकुर के तो उनका सब के बीच के विवाद सल्टिया गेले से मान रहल छी कि जेई हिसाब से देखो बैठक में सहभागिता रहले उनका उनका तो अपना किछो नहीं ओई सब सब बुझल गेले ने तई तो उपस्थित छले त ओ अपने तो विस्पान करे वाला ओ तो कहुना राज्यपाल बढ़े मधेश आंदोलन सफल हुए जनजातियों के जैसे अधिकार भेटे मधेशियों सबके उत्पीड़ित जते वर्ग छे ओइमे कतौ दरार कतौ फूट नहीं हुई तै द्वारे उपस्थित भ जाय छे मने ओ विस्पान कर रहल एक लाइन कहल जाय लेकिन जे फॉलोअर जे छे से एकरा ई चीज के सहन करक अवस्था में एकरा करेक्शन जना होय जे ढंग से ऐ के लेल आवश्यकता पड़ते त अहाँ के जे सत्याग्रह के जे स्वरूप ग्रहण करे पड़ते तो सेहो कयल जेते लेकिन ई जे अखन चार गति के जे निर्णय छे ओकरा बदलो फिर से निका कर जे अखन छात माननीय महतो जी छत उनका फिर उनके बनाएल जा लेकिन निर्णय लिया सब गोटे मिल के करत एकरा विधान अनुसार चल या त विधान में परिवर्तन कर जे किछ हुआ ओ चार गति वाला कैंसिल क के नया एकटा फ्रेश कयल जाय जे हमर सब के आग्रह अइ के लेल जे अमन पार्टी भीतर में कही त हमरा सब जे सत्याग्रह रूपी आंदोलन करक लेल तैयार छे ई मानसिकता जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकवृंद ओ छलेत प्राध्यापक अमरकांत झा राजनीति विश्लेषक हुनका से आइ बातचीत करै छलिए जे संघीयता के एला के बाद मधेसी के की भेटले जेहन किस्म के संघीयता के इच्छा रहे मधेसी के ओहन किस्म के भेटले कि नहीं भेटले एकर संगे जे राजपा पार्टी भीतर में जे विवाद चल रहल छे इहे सब विषय में बातचीत करे छले बेस्ता नमस्कार अजय जी धन्यवाद।